हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और सभी बच्चों का मोस्टली अब सिलेबस टू द एंड पर आ चुका होगा, तो अब एक चीज बच जाती है सर, टेस्ट देना, जो सबसे टफ पार्ट है। बिल्कुल सही बात है। और सर, टेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से ही बच्चे एनालाइज कर पाते हैं कि वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। और इनमें से कई सारे ऐसे बच्चे भी होंगे सर जिन्होंने पूरे साल टेस्ट नहीं दिए होंगे, और आप कह रहे होंगे सर गलतियां कहां हो रही है पता नहीं चल पा रहा है। तो अब हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बेटा, हमारे पास जेई रैंकर्स टेस्ट सीरीज है आपके पास, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से और प्यार से हम लोगों ने क्राफ्ट किया है, सारे फैकल्टीज लगे हैं, ठीक है। और बहुत प्यार से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके पैटर्न्स को समझ के, ठीक है, किस प्रकार के रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं, उनके डेटास को कैसे मैनिपुलेट करेंगे आपको क्वेश्चन कहीं और ना मिले, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरी अपनी एनर्जी लगा के आपके लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं, जिससे आपकी अब तैयारी तो हो गई है, लेकिन बात है कि इसको टेस्ट कैसे करा जाए एग्जाम से पहले कि हाँ यार वो जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में भी है या नहीं है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि सर कई बच्चों का कुछ कुछ सिलेबस रह जाता है, yes. है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर के टेस्ट हमें मिल जाए। हाँ. तो वैसा अपन लोगों ने इसमें ट्राई किया है कि पार्ट टेस्ट भी रखे हुए हैं कि आपको पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट के ऊपर लिखा मिलेगा कि ये चैप्टर आएंगे, तो आप उन चैप्टर को रिवाइज करके उस चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व करके और आप ये टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखो धीमे धीमे एक एक स्टेप बढ़ के आप पूरा कंप्लीट चढ़ पाओगे, नहीं तो आप फुल सिलेबस मान लो एक साथ आपको मिल जाए, ठीक है, आप पार्ट टेस्ट आपके पास है ही नहीं तो आपको लगेगा कि यार सारा रिवाइज कैसे करें, मतलब टेंशन बहुत रहती है। और अभी हो भी सकता है सर कई कई जगह पे कुछ कुछ टॉपिक्स चल भी रहे हो, हाँ। तो आपका पार्ट टेस्ट रहेगा कि आपने 11th के फर्स्ट पार्ट का टेस्ट दे दिया, रिवाइज कर लिया और दे दिया, तो इसका बेनिफिट भी होता है। बिल्कुल। बेनिफिट ये है कि आप टारगेट ओरिएंटेड तैयारी कर पाते हैं थोड़ा सा, नहीं तो क्या होता है जैसे आपने सोच लिया है कि यार कि मैं कल अपना यहां तक खत्म कर लूंगा, लेकिन अगर आपने बांध लिया कि यार मेरे को संडे को टेस्ट देना है, इस स्लॉट में देना है, ठीक है, तो उससे पहले आप अपनी कोशिश करते हैं अपने पूरे रिवीजन को करने के लिए, राइट। तो ये टेस्ट को देने का टारगेट आप सभी लोगों को बनाना, और हम लोग बैचेस में भी सर स्टार्टिंग से बोलते हैं यार कि प्लीज टेस्ट दिया करो, और टेस्ट का टाइमिंग वही रखना है आपको जो एक्चुअल जेई का टाइमिंग रहता है, ताकि आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट हो पाए, ठीक है। क्या डिटेल है आप बताइए, जेई मेन और जेई एडवांस की आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है इसमें, है ना सर, एक बार दिखा देते हैं बच्चों को। ये सर जेई मेन्स के लिए है, हाँ ठीक है, जेई मेन की रैंकर टेस्ट सीरीज है और इसी के साथ में ही मिल रही है एडवांस की, है इसमें ये सारे टेस्ट हैं हमारे पास। कितने सर, कितने हैं टोटल? टोटल सर 14 टेस्ट हैं इसमें। इतने बना दिए हम लोगों ने, अरे सर बहुत ज्यादा बना दिए, 14 टेस्ट हैं इसमें। आई थिंक हम लोग पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट में डिवाइडेड है, हां चार आई थिंक हम लोगों ने पार्ट टेस्ट डिसाइड किए थे, हां चार पार्ट टेस्ट है, 1-4 आपके पार्ट टेस्ट रहेंगे। पार्ट टेस्ट कहने का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिलेबस पूछा जाएगा, पूरा सिलेबस नहीं होता। इससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जैसे मान लो कि आपको पूरा तैयारी नहीं कर रही है अभी, ठीक है, थोड़ी बहुत है, आपने देखा कि यार जैसे फिजिक्स का पहला यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ग्रेविटेशन तक आ रहा है, फर्स्ट बुक ऑफ द एनसीईआरटी आ रही है फिजिक्स में, तो आपने कहा कि यार चलो ठीक है दो चैप्टर मेरे बैकलॉग थे उनको कवर कर लेता हूं, एटलीस्ट अपना फिजिक्स का पार्ट वन एक मेरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपका वेव्स तक सेकंड बुक आ रहा है तो आपने उसको भी धीरे धीरे कवर कर लिया। तो पहले आपके चार टेस्ट रहेंगे जो पार्ट टेस्ट है, पार्ट टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पर्टिकुलर पार्ट आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद 5-14 तक आपके फुल टेस्ट मिलेंगे। ओके। तो आपको मतलब यह है कि देखो पार्ट टेस्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि आप पार्ट वाइज तैयारी कर लो, जैसे ही आपका कवर हो जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत सिलेबस आपका बच रहा होगा अभी, तब तक वो भी कवर हो जाएगा, उसके बाद आप फुल टेस्ट दे देना। फुल टेस्ट की बेनिफिट ये रहेगा बेटा कि बैलेंस्ड पेपर रहेगा काफी, क्योंकि पार्ट टेस्ट में क्या कि हमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन उठाने, ये पूरे बैलेंस्ड पेपर रहेंगे आपके, ठीक है, तो ये आपको देने हैं कितने 10 पेपर है, ठीक है, और आप हो गए फुल टेस्ट और 4 हो गए आपके पार्ट टेस्ट, टोटल 14 टेस्ट हैं जेई मेन के लिए। हाँ, और आपको अगर सर 25 तारीख के आसपास से बच्चों का एग्जाम है तो हर दिन अगर वो एक पेपर दे रहा है तो कहीं ना कहीं जनवरी 5 के आसपास से लगाना स्टार्ट कर देना पड़ेगा, क्योंकि बीच में हो सकता है वो नहीं भी दे, एक दिन हो सकता है, तो आप जनवरी 5 से आप अपना टारगेट ले सकते हैं हर दिन का कि एक मेरे को अपना मॉक टेस्ट देना है और उसको ढंग से सॉल्व करके एनालाइज करना है। सर एनालिसिस के लिए क्या क्या डिटेल है बताएंगे सर? बिल्कुल, तो ये पेपर जो आप दे रहे होगे तो ये किसके लिए है? देखो आपको एग्जाम का एंजाइटी होती है, ठीक है, थोड़ा फोबिया वगैरह होता है, तो वो ओवरकम कर लोगे, क्योंकि आपको जब सवाल सॉल्व कर रहे होगे तो आप उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी सीखोगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कभी बनते हैं तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, नहीं बनते तो हम उसको सीख लेते हैं, है ना, इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। टाइम मैनेजमेंट आपको हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट जो जेई का होता है, जेई मेन का, उसी स्लॉट में आपको देना है ये पेपर, ठीक है। आप सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे कैसे? yes. आपको आपके से मान लो कोई सवाल नहीं बना, ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन, तो ये पूरा टेक्स्ट सॉल्यूशन है इसका, ये जेई मेन का टेक्स्ट सॉल्यूशन है और ये ऐसे ही एडवांस का टेक्स्ट सॉल्यूशन का है ना, तो आप टेक्स्ट सॉल्यूशन देखोगे, मान लो आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन से समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर ना QR कोड दे रखा है ऊपर भी, ठीक है,
हर एक पेज पर QR कोड लगा हुआ है, उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो कभी अगर आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन से समझ में नहीं आए तो आप वीडियो सॉल्यूशन से भी समझ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो सवाल नहीं बने वो जरूर आपको देखना है, क्योंकि सीखना है ना आपको इससे, और आपका फायदा भी होना चाहिए। आपका टेस्ट क्या होती है ना सर ऑफलाइन के टेस्ट में, अब जैसे मैं यहाँ पे तो बुकलेट नहीं खोलना चाहता, अगर मान लो आपको कोई सवाल नहीं बना, आप कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज अब रिवाइज करने के लिए ना बहुत हैंडी हो जाता है। आपने एग्जाम से पहले अगर मान लो कि आप अब सेकंड अटेम्प्ट से पहले आपको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, आपने अपना ये बुकलेट खोली, अच्छा ये क्वेश्चन खराब हुए थे, प्रॉब्लम है PDF या फिर CBT में एक दिक्कत है कि वो वापस नहीं आ पाते, वापस नहीं आ पाते, आपको ये रहेगा अच्छा ये क्वेश्चन ये था मैंने यहाँ सोल्व करा था, यही मेरा एरर हुआ था, तो आपकी रिकॉलिंग जल्दी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और सर एक चीज और कर सकते हैं, जहां तक इसमें मैंने देखा लास्ट में ना एक दो पेज के लिए रफ वर्क दिया हुआ है, ठीक है, हो सकता है कि आपका आखिरी वाला पेज खाली भी रह जाए, भाई आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर के ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, या कोई सवाल आपसे नहीं बना तो वो मार्क कर लो कि ये सवाल मेरे से नहीं बने थे, इसको रिवाइज करना है ना, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। और आपको एग्जाम पैटर्न तो सेम वैसे ही रहेगा जैसे जेई मेन और एडवांस का रहता है, तो आप उससे भी फेमिलियर हो जाओगे। ये चीज हम लोग बेटा पहले भी लेके आ रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि उस समय हमारा सिलेबस ही चेंज हो गया, तो हमने कहा यार हम लोग जब वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहे थे स्टार्ट हो गया था बस वीडियो और जेई वालों ने सिलेबस दे दिया। फिर हमारी थोड़ी सी मेहनत रही कि काफी सारे क्वेश्चन हमें हटाने पड़े, यहाँ पर कुछ नए के हिसाब से डालने पड़े और बैलेंसिंग ऑफ द पेपर करनी पड़ी, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो कहीं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा काम हमारा बढ़ गया था। लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है इस बार ये एज पर न्यू सिलेबस है, बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस की है एकदम। अब कुछ टॉपिक्स जेई मेंस में नहीं है लेकिन एडवांस में, तो एडवांस के पेपर में आपको वो टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि सर जैसे फिजिक्स में हमारा रेडियो एक्टिविटी सर मेंस में नहीं है, तो क्या एडवांस में भी एडवांस के पेपर में पूछा जा सकता है? बिल्कुल, वो एडवांस के सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है या आपके मेंस के सिलेबस के हिसाब से बनाई गई, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया, थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये तो हम लोगों ने बताई दिया कि बेटा 2024 के न्यू सिलेबस जो भी आपका है, जेई मेंस का मेंस के सिलेबस के हिसाब से और एडवांस के सिलेबस के हिसाब से, आपके 10 इयर्स जो भी हमारे PYQs हैं, एनालाइज्ड PYQs के ऊपर सवाल है बेटा, ठीक है, वो थोड़ा सा बेटर इसलिए रहता है क्योंकि कई बार ज्यादा डिविएशन भी अच्छा नहीं होता, मतलब ठीक है वो आपको थॉट प्रोसेस बनाता है लेकिन क्वेश्चन के एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंसी अगर रहेगी तो आपकी लर्निंग थोड़ी सी ज्यादा बेटर हो जाती है। ये तो सर आपने बताई दिया 10 फुल सिलेबस है, 4 पार्ट टेस्ट हमारे पास जेई मेंस के, 1-4 पार्ट टेस्ट हो गए, 5-14 आपके फुल सिलेबस टेस्ट हो गए। सर वहां क्या है? आंसर बुकलेट है आपके साथ में, ये भी आपको बता दिया है कि आंसर बुकलेट मिलेगी। अच्छा। जिसमें आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन है भाई, आपके पेपर में जो क्वेश्चन है उतने पेज नहीं है जितने आंसर में, क्योंकि डिटेल में है ये पूरा, है ना। और रैंक प्रेडिक्टर भी है ना सर, ये सर एक बहुत बढ़िया चीज है, नई चीज है कि आपने जैसे मान लो फुल टेस्ट दिए है ना, ये फुल टेस्ट में ही रैंक प्रेडिक्टर हमने दिया है और आपके पहले पेज पर ही आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ टॉप NITs। और इस पर्टिकुलर टेस्ट की है ये कि आपके इस टेस्ट में अगर इतने नंबर आए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये रैंक उसमें आने वाली है आपके, है ना। इसमें NIT ट्रिची, नागपुर, जलंधर, जयपुर, सारे मतलब NITs की आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स पूरी है। अरे भाई साहब क्वेश्चन जूम करके निकाल लेंगे बच्चे। सारे NITs के आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग हर ब्रांच की आपको दे रखी है, जिससे आपको अंदाजा भी लगे कि आप कहां किस ब्रैकेट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुल सिलेबस टेस्ट फॉर जेई एडवांस हम लोगों ने बात कर दी। अच्छा, इसके लिए OMR आपको अलग है, एडवांस की OMR आपकी 8 OMR है, यहाँ पे आई थिंक मेंशन भी है। तो 1 और पेपर 2 की आपकी OMR बिल्कुल सेपरेट है। OMR हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको भाई कुछ प्रैक्टिस तो करोगे भाई, क्वेश्चन सॉल्व किया कहीं तो करोगे ना, ये आंसर मार्क करने के लिए, तो उसके लिए वैसे CBT होता है सबको पता है, लेकिन OMR आपको सिर्फ मार्क करने के लिए दी जा रही है ना। यस, तो कवर ऑल कंसेप्ट फ्रॉम पास्ट 5 ईयर जेई एडवांस, जो भी टॉपिक्स टच हुए हैं उन्हीं के अराउंड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, ठीक है। एंड आंसर बुकलेट प्रोवाइडिंग सर ने बता दिया, न्यू क्वेश्चन फ्रेम बाय दी टीम। हाँ, यहाँ पर कुछ सवाल आपको देखे देखे से लगेंगे लेकिन वो बिल्कुल नए होंगे, ठीक है, उनमें डेटास और क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब आपको लगेगा यार ऐसा मैग्नेटिक फील्ड तो एडवांस के एक सवाल में कराया था लेकिन उसका स्ट्रक्चर वैसा चेंज है, कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज है, तो वो आपको हिंट है लेकिन उसको फिर से आपको रीडायरेक्ट करके लगाना ही पड़ेगा, तो पूरा आपका कंसेप्ट रिवाइज होगा वहां पर। आपको सभी सब्जेक्ट में ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको लग रहा होगा कि यार ये तो पढ़ा हुआ है लेकिन जब आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो समझ में आएगा कि अरे यार ये चीज थी, मतलब सीखने को बहुत कुछ है इस टेस्ट सीरीज से। और रैंक प्रेडिक्टर हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, तो ये चीज बेटा आप हमारे PW स्टोर पर है, Amazon, Flipkart और जहां पर भी रिटेल स्टोर है आपको वहां पर आसानी से मिल जाएगी। अब जो बच्चे यहाँ पर कईयों को ये डाउट हो सकता है कि सर क्या मेरे को लेना जरूरी है, अब देखो भाई यहाँ पर हम लोग कभी भी किसी चीज के लिए पुश नहीं करते, मैं कहता हूँ आप अपनी तैयारी को एनालाइज करिए। अगर आपने बैच में भी, सर हमारे बैच में ही बाई वीकली टेस्ट हो रहे हैं, AITS बैच में ही होते हैं, अगर आप उसको भी दे रहे हैं, ठीक है, ईमानदारी से दे रहे हैं
तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब किसी ने वो खराब कर लिए हैं, सर वो क्वेश्चन देख लिए थे, मैंने चीटिंग कर ली थी आंसर, मेरे को पता है, अब वो क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मेरे को पता है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ रहा। अगर आपको नए सेट ऑफ क्वेश्चन चाहिए और आप ईमानदारी से करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक ऑप्शन बन एकदम सवालों में नयापन दिखेगा आपको, कॉन्सेप्ट आपको आ रहा होगा लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज होती है वो मिल जाएगी इसमें। हाँ, और इसमें क्या है कि सर कई बार ये आप लोगों ने भी, आप लोग भी इसी से एग्री करेंगे कि कई बार आप घर पे टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, आपका कुछ ऑटो सबमिट हो जाता है, ये वाला इशू हो जाता है कई बच्चों के साथ, कभी लाइट चली गई या फोन आ गया, आप फोन पर दे रहे हैं, फोन आ गया वो ऑटो सबमिट हो जाता है, आपका टेस्ट खराब हो गया, ठीक है, फिर आप ऑल टाइम इरिटेट रहते हैं। सिर्फ आपके पेपर बेस्ड का फायदा यह है, आप चुपचाप कहीं पर शांत कोना ढूंढिए, अपने लाइब्रेरी आसपास कहीं चले जाइए और चुपचाप अपने पेपर को लगाइए, सेल्फ इवेल्युएट करने का, मैंने क्लास में भी कई बार बोला, एक साइकिल है सर, बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, पढ़ा, लेक्चर को एक और बार देख लिया, नोट्स पढ़ लिया, हो गया सर चैप्टर तैयार, उनको वही लगता है कि कंप्लीशन हो गया, लेकिन एक्चुअली में टेस्ट देना, उसके अंदर गलतियों को रिवाइज करना और फिर से उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन लगाना एक साइकिल कंप्लीट करता है, और ये हर बार आपको कम से कम 4 बार चैप्टर को इस तरीके से करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक चैप्टर तैयार होता है। उसके लिए आपको क्वेश्चन भी चाहिए होंगे, इसलिए हम लोग ये लाए हैं रैंकर्स टेस्ट सीरीज आपके लिए। तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि दिन में एक ही लगाएं, क्योंकि इट विल टेक टाइम, क्योंकि आपको एनालाइज भी करना है, ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस खराब हो रहे हैं, हो सकता है उसके ऊपर 10 क्वेश्चन और आपको ढूंढ के लगाने पड़ जाएं, ठीक है, जिस टॉपिक के आपके खराब हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आइसोमेरिज्म का आपका पेपर में क्वेश्चन आया कहीं पर, वो क्वेश्चन अगर आपका खराब हो गया तो आपने कहा यार ये टॉपिक में थोड़ा सा रिविजन और चाहिए, तो आपने मॉड्यूल से कहीं क्वेश्चन लगा लिया, कहीं बुक से आपने क्वेश्चन लगा लिया, तो आपको उसको फिल करने में टाइम लगेगा। मतलब ये बच्चे रिविजन में भी सर यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई चैप्टर आपके हैं या आपने पार्ट टेस्ट देखा उसमें इतना पर्टिकुलर सिलेबस है, आप पेपर देना चालू कर दो, थोड़ा बहुत रिवाइज करके पेपर देना चालू कर दो, ठीक है, अब आप उस पेपर में देखोगे कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे आपसे, है ना, तो उनके लिए फिर आप दोबारा से जाके, जो अभी राजवंत सर बोल रहे थे पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है, उसी से क्वेश्चन से सीखना है, वो कर सकते हो आप, है ना, तो रिवीजन के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है, रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हो आप। तो आई होप बेटा आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और ये चीज मान के चलिएगा बेटा कि टेस्ट आपके लिए एक आईने के जैसा है, ठीक है, नहीं देना चाहते तो नहीं देना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपल्शन नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर आप देंगे ना तो आपको रियलिटी पता लगेगी, वो एग्जाम के मेन एग्जाम में पता लगने से पहले अगर पता लग जाए तो आपके पास समय होगा उसको इम्प्रूव करने का, ठीक है, और अगर आपके पास समय है वही सबसे ज्यादा कीमती चीज है, ठीक है, एग्जाम से 2 दिन पहले अगर आपको पता लगे यार ये वाला टॉपिक तो मुझे आता ही नहीं है, ठीक है, या ये तो सवाल ही गलत कर रहा हूं, मुझे लगता था ये आता है, तब कितना स्ट्रेस होता है, तो कोशिश करिए आप समय के पहले ही थोड़ा सा इसको संभाल लें और अच्छे से एनालाइज करिए, आपके पास पूरा टाइम है और एंड आई होप आप सभी लोग अच्छा ही करेंगे एग्जाम। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को, टाटा, बाय बाय, बाय बाय।